वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के कितने टाइप्स, डीबीएमएस में एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले हम देखें कि एट्रीब्यूट क्या होता है। सो व्हाट इज़ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द एंटिटी टाइप्स। तो कोई भी एंटिटी है यदि आपकी, कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिया था कि एक स्टूडेंट भी एंटिटी होती है, तो उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड, जो उसको डिफ़ाइन करती हैं, जैसे उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसको डिफ़ाइन करती हैं उस एंटिटी को। तो ये जो सब चीज़ें हैं इनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अगर हम जब ER डायग्राम देखेंगे तो उसमें जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको किसके थ्रू डिनोट करते हैं हम? एक्लिप्स के थ्रू, ठीक। तो एट्रीब्यूट मतलब हम ऐसे समझ लें कि यदि स्टूडेंट नाम के हम एक टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल में कॉलम्स कौन कौन से होंगे, तो ये जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम एक्लिप्स से डिनोट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक्लिप्स बनी हुई है और एट्रीब्यूट का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा एट्रीब्यूट की प्लेस पर। तो पहला जो टाइप है वो है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट, ऐसा कोई कॉलम जिसमें आप जो वैल्यू डाल रहे हो उसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते आगे, ऐसी वैल्यू को बोलते हैं, ऐसी वैल्यू वाले कॉलम को बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक। जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो एज, एज को और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। जेंडर, उसको भी फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसा नाम से लग रहा है, इसका मतलब जब कोई कॉलम एक से ज़्यादा कॉलम्स से मिलकर बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे यदि यहाँ पर देखें तो एड्रेस जो है हमारा, तो एड्रेस को हम ओ डिवाइड कर सकते हैं किन किन चीज़ों में? स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब कॉलोनी, आप किस कॉलोनी में रहते हैं। अब वो कॉलोनी ठीक है पर वो किस सिटी में है वो कॉलोनी, तो सिटी, वो सिटी किस स्टेट में है, तो स्टेट वाला कॉलम आ गया। एंड ये स्टेट कौन सी कंट्री में है, सो कंट्री आ गई। तो ये जो एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट है ये और चार एट्रीब्यूट्स से मिल के बना हुआ है। तो जब कोई चीज़ और सब डिवाइड हुई है आगे और चार एक से ज़्यादा कॉलम से मिलके बनी हुई है तो उस वाले एट्रीब्यूट को बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक। इसके पहले हमने देखा था सिंपल एट्रीब्यूट जिसमें उसकी वैल्यू फर्दर सब डिवाइड नहीं होती। जैसे अगर सिटी की बात करें तो सिटी क्या हो गई? सिंपल एट्रीब्यूट। सिटी को और कैसे डिवाइड करोगे आप? नहीं। जैसे इंदौर सिटी, तो इंदौर लिख देने के बाद अब आगे उसमें और कोई गुंजाइश नहीं कि आप उसको और डिवाइड करो, अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वो है सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल देखें तो है एम्प्लॉय, यानी जो बंदा कहीं जॉब कर रहा है उसको बोल दिया हमने एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब ये जो एंटिटी, इसको बोलते हैं एंटिटी क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर लिखी हुई है, और बाकी के जो एक्लिप्स में दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? इसके एट्रीब्यूट्स। तो इसका एक एट्रीब्यूट आया नेम। नेम को भी हम सभी जानते हैं आगे और डिवाइड किया जाता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। तो नेम क्या हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट, और ये सब क्या हो गए फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम? सिंपल एट्रीब्यूट, क्योंकि फर्स्ट नेम को और आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया आपका सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसा कॉलम्स जिसमें हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू कस्टमर यूज़र दे सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू। जैसे अगर मान लो फ़ोन नंबर किसी से मांगा तो हो सकता है, मेनी चांसेस आर देयर कि उसके पास में एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो, मोबाइल नंबर। तो उस केस में क्या होगा, वो जो फ़ोन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बोलने में तो हम ऐसे बोल देंगे मल्टी वैल्यूड, लेकिन हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मल्टी वैल्यू ले सकता है? तो उसके लिए है इक्लिप्स डबल वाली, डबल इक्लिप्स। तो जब डबल इक्लिप्स के अंदर आप कुछ लिखोगे एट्रीब्यूट का नाम, तो ER डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लिया हमने फ़ोन नंबर, क्लियर।
नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किए गए हों। अब इसका यदि एग्जांपल देखें तो हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसी होती है कि डेट ऑफ बर्थ से हम एज को डिराइव करेंगे। आज अगर काउंट करेंगे किसी की एज उसके डेट ऑफ बर्थ से तो अलग आएगी। आज से 2 साल बाद आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू अलग आएगी। तो लेकिन हर बार आप उसको कैलकुलेट किससे करोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ से। तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहलाएगा स्टोर्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होना है। एक बार जो आपने नोटिस नोट करवा दी वो आपकी हो गई फाइनल वैल्यू डेट ऑफ बर्थ की। लेकिन एज अगर 2020 में पूछी तो अलग आएगी, 2023 में पूछी तो वैल्यू अलग आएगी। तो इसको क्या करेंगे हम, हर बार डेट ऑफ बर्थ से डिराइव करेंगे। तो क्योंकि ये वाली वैल्यू किसी और से डिराइव हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डैश्ड इक्लिप्स के थ्रू। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एज डैश्ड इक्लिप्स के अंदर, इसका मतलब ये क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो एक्सपीरियंस जो है, यदि किसी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस काउंट करें तो वो भी क्या होगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। उसको किससे डिराइव करेंगे हम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, कि उसने जब ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया उसको, तो उस बेसिस पे हम डिराइव करेंगे उसका एक्सपीरियंस। क्लियर। नेक्स्ट है की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी भी रिकॉर्ड को, अगर हमारे पास बड़ा सा डेटाबेस, एक बहुत बड़ी टेबल है उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारी रोज़ हैं। रोज़ किसकी हैं, हर स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में जिसका रोल नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सेकंड रो में सेकंड रोल नंबर वाले का है, ऐसे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में। तो अब क्या होगा, कई बार एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे योगिता नाम ले लिया, हमारी क्लास में एक से ज़्यादा योगिताएँ हैं, या राजेंद्र नाम ले लिया, बहुत से नाम ऐसे हैं, प्रियंका हो गया, जो रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो यदि हम नाम से बोलेंगे तो क्या होगा, एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम आएगी कि आपने किसको डिनोट कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे थे, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी नाम से अगर देखें तो। लेकिन यदि आपको स्पेसिफिकली बताना है कि भाई हम पर्टिकुलर इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके रोल नंबर से बात, उसके रोल नंबर लेंगे या फिर उसका सीरियल नंबर, तो उससे ये चीज़ स्पेसिफाई हो जाएगी, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई कॉलम हो यदि हमारे पास जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ किसी रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड मतलब किसी टेबल में जो रो होती है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो यदि कोई रो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है बहुत सारी रोज में से, तो जिसके थ्रू आप करते हो उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं की एट्रीब्यूट। और की एट्रीब्यूट को कैसे डिनोट करते हैं, इक्लिप्स के अंदर अभी तक हम लिख रहे थे नाम जो था सिंपल एट्रीब्यूट, अब उसके नीचे अंडरलाइन यदि कर दी तो ये क्या हो गया आपका की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया, कंप्लीट एंटिटी टाइप स्टूडेंट विथ इट्स एट्रीब्यूट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब ये हमारी एक एंटिटी है स्टूडेंट नाम की, इस एंटिटी को आपको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है ईआर डायग्राम के थ्रू विथ इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आपका टास्क है, यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है। ये आपका टास्क है, जो आंसर देगा पता चलेगा कि उसको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।